और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारा मसला ही नहीं है। देखिए भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, 18 करोड़, और 122 करोड़ दूसरे लोग हैं। ये 18 करोड़ का मसला नहीं है, ये 140 करोड़ का मसला है। हमें कोई ख़तरा नहीं है, मुसलमान को कोई ख़तरा नहीं है, मज़हब इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लोग कर रहे हैं कि एक देश एक कानून, पूरे देश में एक ही कानून। पार्लियामेंट कानून बनाती है ना, आपको पता है पार्लियामेंट बनाती है कानून, तो फिर हर स्टेट में विधानसभा क्यों है? हर स्टेट का कानून अलग क्यों बनता है? योगी का कानून अलग है, शिवराज का कानून अलग है, शिंदे का कानून अलग है, विश्व शर्मा का कानून अलग है, इनका अलग क्यों है? भाई जब देश एक है तो कानून अलग कैसे है? अगर कोई गैर लड़का मुसलमान लड़की को ले जाए, शादी कर ले, अपने घर में रख ले, उसको इनाम मिलता है, और अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर लड़की से अगर बातचीत भी कर ले, लव जिहाद का कानून लग जाता है ना, दो कानून, उसके लिए कानून इनाम है, इसके लिए कानून जेल है, अलग है ना कानून। तो ये लोग बहकाते हैं, जो लोग तरह तरह की फिल्में बना रहे हैं, दी कश्मीर फाइल्स फिल्म बना दी, दी केरला स्टोरी बना दी, अजमेर 1992 बना दी, 72 हूरे बना दी फिल्में, ये गलत बना रहे हैं, ये मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं, अल्लाह के दीन को कोई ख़तरा नहीं, लेकिन इतनी बात मैं कह दूँ कि ये गलत है। मज़हब इस्लाम किसी से भी नफ़रत नहीं सिखाता, और हम भी जो हैं हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई प्रेम या दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, हम सियासी लोग नहीं हैं, हम मज़हबी लोग हैं, जिसको राज करना है करे, लेकिन शांति और इंसानियत वो रहना चाहिए। लोग आपसे आके कहेंगे अरे सूद ब्याज का कारोबार कर लो, देखो बड़ा फ़ायदा है तुम्हारा, 100 रुपये पे तुम्हें 30 रुपये फालतू मिलेंगे, 40 रुपये फालतू मिलेंगे, आप लेंगे नहीं लेंगे? अल्लाह ने मना किया है सूद ब्याज को, हम नहीं लेंगे। हमें 100 रुपये पे तुम 50 रुपये ज़्यादा दे दो, हम जब भी नहीं लेंगे। क्यों? हमारे कुरान में मना है। कोई कहेगा दारू पी लो बड़ी ताकत आ जाएगी, हम नहीं पियेंगे, हमारे मज़हब में मना है। कोई कहेगा सट्टा खेल लो, 10 रुपये लगाओगे 1000 रुपये कमाओगे, हम नहीं करेंगे। क्यों? कि कुरान में मना है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। तो मेरे भाइयों लोग बहका रहे हैं ये कर लो ये कर लो ये कर लो, अल्लाह की तरफ से जो भी आजमाइश है उस पर सब्र करना।